हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे सीओबी स्पॉटलाइट में जो मल्टी कलर के स्पॉटलाइट्स आते हैं उसके बारे में। सीओबी स्पॉटलाइट में काफ़ी रेंज अवेलेबल है मार्केट में, जो आपने देखी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो स्पॉट लाया हूँ आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये 3 वॉट का सीओबी स्पॉटलाइट है, जिसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो एप्रोक्सीमेट 1 इंच की इसकी डेप्थ है। और इसकी जो आउटर बॉडी है उसे 1.5 इंच की आपको आउटर बॉडी मिलेगी इसकी, और उसके साथ एक ड्राइवर अटैच किया गया है। कॉम्पैक्ट फिटिंग है, आप देख सकते हो। इसमें बेनिफिट यही है, ये आपको एक छोटी सी फिटिंग में 7 कलर के ऑप्शन मिलते हैं। एक कनेक्ट करके अगर आपने ऑन कर दिया तो इसमें 7 कलर स्लोली चेंज होते हैं। जो 7 कलर्स है धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे। जो आपको कहीं से भी कनेक्ट कर दिया तो आप ये ऑन किए तो अपने आप कलर चेंज हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके साथ कोई रिमोट आता है, ना स्विच के साथ कोई ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट इसको आपको लगा देना है और ऑन करना है, तो इसमें 7 कलर के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो 3 वॉट की स्पॉटलाइट है, जनरली 1 वॉट में आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं। हर फिटिंग में आपको एक कलर मिलता है, वो 1 वॉट में आता है। इसके बाद ये 3 वॉट के नए स्पॉट्स आए हैं, जिसके अंदर आपको एक ही स्पॉट में 7 कलर्स मिलते हैं। काफ़ी लोग अपने टेम्पल्स वगैरह में लगाते हैं, कोई डिस्को हाउस जैसे बनाता है, जैसे डिस्को रूम वगैरह बनाता है, उसके अंदर ये कलर्स, ये स्पॉटलाइट का यूज़ होता है। या कुछ कलरफुल कोई स्पेस को करना है तो इस तरह के स्पॉट लगते हैं, जैसे बार हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, जहाँ पे उनका डिस्को एरिया है वहाँ पे इस तरह के कलर्स लगते हैं। थिएटर वगैरह में लगते हैं, काफ़ी थीम एरिया रहता है जहाँ पे भी ये स्पॉट लगते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ी देर में आपको ये ऑन करके भी दिखाऊंगा, जो इसके कलर्स चेंजिंग होते हैं वो काफ़ी सॉफ्टली चेंज होते हैं। मतलब विद इन अ सेकेंड इसके एक के बाद एक कलर चेंज होता है, जो आपके आपको पता भी नहीं चलेगा और कलर चेंज हो जाता है, जो आपके आई को, जो आपको हर्ट नहीं करेगा। अगर आपने रात को सारी लाइटें बंद रखी और इसको अगर आपने ऑन रखा है तो एकदम एक कलर से सेकेंड कलर एकदम सॉफ्टली चेंज होता है। जैसे कुछ लाइट्स आपने देखी होगी जो मल्टी कलर्स होती है, तो उसके कलर्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और वो स्पीड में चेंज होते हैं। कुछ टाइम तक आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको कंटिन्यूस देखनी हो तो आप उसको देख नहीं पाओगे और आपको उससे प्रॉब्लम हो सकता है, वो लाइट बार आपको आँख में लग सकती है। जबकि इसकी लाइट इतनी सॉफ्ट है कि धीरे 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 इसके कलर्स चेंज होते हैं और काफ़ी अच्छी फिटिंग्स है। 3 वॉट की सीओबी है, पावर सेवर है और फिटिंग भी इसकी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसमें आपको मिनिमम वोल्टेज जो आएगा वो 3 वॉट का आएगा, और इसके बाद जो इसका मैक्सिमम वोल्ट है वो 6 वॉट तक का आता है। 6 वॉट के ऊपर भी कुछ फिटिंग्स मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कम रनिंग है, वो ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि उतनी हैवी ब्राइट लाइट कोई मल्टी कलर लगाता नहीं है जो ज़्यादा चेंज हो। सब लग को सॉफ्ट लाइट चाहिए जो धीरे धीरे थोड़ी सी चेंज हो, और डार्क कलर है तो इसकी जो ब्राइटनेस है, रात के टाइम पे अगर आपने सब ऑन ऑफ रखा तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी आती है। इसलिए 3 वॉट और 6 वॉट इसकी रनिंग साइज़ है, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और जनरली अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अभी ये स्पॉटलाइट आप देख रहे हो, ये एक स्पॉटलाइट है जिसमें आपको फ्रंट LED की जो बल्ब है वो आपको सामने देखने मिल जाएगा। इसके बाद इसमें एक अदर ऑप्शन भी आता है जो आपको मैं दिखा दूँ, इस तरह का आप दोनों को देख सकते हो। इसकी नीचे की बॉडी दोनों की सेम है, सिर्फ ऊपर से इसमें डायमंड फिक्स किया गया है, डायमंड को चिपकाया गया है बराबर बल्ब के सामने। तो अगर जो भी लाइट चालू होने के बाद सारी जो लाइट है वो इस डायमंड पे गिरती है और डायमंड के थ्रू बाहर आती है, तो ये पूरा डायमंड कलरफुल लगता है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लोग घरों वगैरह में लगाते हैं तो इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, जस्ट एक मूड लाइट की तरह। तो इस तरह के भी ऑप्शंस हैं इसमें। अगर आप, मैंने दिखाया अभी आपको, मैं डायमंड ये दिखा रहा हूँ, ये डायमंड जो है कोहिनूर टाइप का है, आप ये देख सकते हो। इसमें अलग अलग शेप्स के आते हैं, राउंड आता है, स्क्वायर आते हैं, अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स इसमें लगे हुए रहते हैं। जो रात के टाइम पे कलर चेंजिंग होते रहते हैं तो वो पूरा, ये पूरा ब्राइट होके एकदम कलरफुल लगता है। तो इस तरह के स्पॉट अभी अच्छे चल रहे हैं। इसमें 3 वॉट में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 वॉट में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 6 वॉट में थोड़ी ब्राइट लाइट आपको आएगी और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा।
थ्री वॉट ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है, ज़्यादा घरों में लगता है, कलर सॉफ्ट है और पावर सेवर है। इसकी मैं प्राइस ही आपको बता दूँ गाइस, जिसकी इसकी प्राइस अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो ये 3 वॉट का स्पॉट आपको मल्टी कलर COB स्पॉट के साथ आपको मिलेगा, ये 300 से लेके 350 की कॉस्ट में आपको मिल जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपीज़ तक आपको मिल सकता है। उसी तरह अगर आप कोई क्रिस्टल्स के साथ अटैच स्पॉट लेते हो, अगर क्रिस्टल हो गया COB स्पॉट के साथ, तो इसकी कॉस्टिंग आपको 400 से लेके 500 के आसपास पड़ सकती है या 550 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग नहीं है और ये 3 वॉट का है। और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, रनिंग प्रोडक्ट है और ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो 1 ईयर की आपको वारंटी मिलेगी अगर कोई वेंडर देता है तो, अगर वारंटी नहीं देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जो ये ड्राइवर्स है इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और इसके अंदर जो बल्ब आता है आप ये देख सकते हो, इसके अंदर एक COB स्पॉट आप अंदर देख रहे हो, ये बल्ब भी इजीली अवेलेबल है। तो ये रिपेयरेबल है, यूज़ एंड थ्रो नहीं है, आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा इफेक्ट है इसका। मैंने आपको ऑन करके भी दिखाया तो इसके अंदर आपने देखा काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन चेंज होते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था, तो अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छे इन प्रोडक्ट के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, थैंक यू।